एवरीवन, आज हम बनाएंगे पीनट मैगी। बहुत ही डिफरेंट तरीके की मैगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटे हुए अदरक लेंगे। इन सभी को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। इसे बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब प्याज बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग हाफ मिनट तक भूनेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। भूनने के बाद अब इसमें वाटर डालेंगे। हम इसमें लगभग 2 कप वाटर डालेंगे। वाटर डाल के अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और वाटर को बॉईल होने देंगे और इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर बॉईल होने के बाद अब इसमें हम मैगी डालेंगे। मैगी के पीसेस को ऐसे तोड़ते हुए डालेंगे, आप चाहें तो इसे खड़ा भी डाल सकते हो। हमने लगभग 2 पैक मैगी ली है। मैगी डालने के बाद अब इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। आप चाहें तो इसे ढक के भी पका सकते हैं। ये देखिए, अब मैगी बॉईल होना शुरू हो गई है। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए तब इसमें हम मैगी के साथ जो टेस्ट मेकर मिलता है उसे डाल देंगे। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ड्राई होने तक कुक करेंगे। टेस्ट मेकर डालने के बाद अगर मैगी थोड़ी सूख रही है तब इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। जब ये थोड़ी देर बॉईल हो जाए तब इसमें हम पिज्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे, आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी सॉसेज डाल सकते हो या आप इसे बिना सॉस के भी बना सकते हैं। इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे ड्राई होने तक कुक करना है, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। जब ये कुक हो रहा हो तब ही हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। ऑरिगेनो बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर में मैगी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ये देखिए, अब ये ड्राई होना शुरू हो गई है। अब हमारी मैगी बिल्कुल ड्राई हो गई है। इस स्टेज पे अब हम रोस्ट किए हुए पीनट्स डालेंगे। पीनट्स रोस्ट करने की रेसिपी भी हमने चैनल पे शेयर की है, आप वहाँ से देख लें। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। पीनट्स डालने से मैगी बहुत ही टेस्टी हो जाती है। मिक्स करके बिल्कुल ड्राई होने तक हमें इसे कुक करना है। जब ये ड्राई हो जाए तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। अब हम ऊपर सीसमे सीड से गार्निशिंग करेंगे, जिसे हम सफेद तिल बोलते हैं। हमारी पीनट मैगी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।